कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका क्षेत्र में सड़कों की हालत काफी खराब है। सड़क पर गड्ढे के चलते रोजाना लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है, साथ ही ट्रैफिक जाम हो जाता है। सबसे बुरी स्थिति डोंबिवली और कल्याणपुर की है। कल्याणपुर के कल्याण मलंग रोड पर गड्ढों के चलते कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। स्थानीय पूर्व नगर सेवक कुणाल पाटिल ने गड्ढों की दुर्दशा को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया था, जिसके बाद महापालिका प्रशासन की आंख खुली। महापालिका प्रशासन ने संबंधित ठेकेदार को जल्द से जल्द गड्ढे भरने के आदेश दिए। आज दोपहर जब कल्याण मलंग रोड पर गड्ढे भरे जा रहे थे, तब देखा गया कि किस तरह से महापालिका के ठेकेदार गड्ढे भरने की बजाय लीपा पोती करते नजर आए। पूर्व नगर सेवक कुणाल पाटिल वहां पहुंचकर गड्ढे में डांबर मिश्रित खड़ी के बजाय मिट्टी कीचड़ मिश्रित खड़ी से भरे जा रहे गड्ढे का पर्दाफाश किया। आगे कुणाल पाटिल ने चेतावनी दी है कि गणपति उत्सव शुरू होने से पहले गड्ढे भरें और कचरा उठाया जाए, अन्यथा सभी नागरिकों के साथ आंदोलन किया जाएगा और अगर कानून व्यवस्था की समस्या हुई तो इसके लिए मनपा प्रशासन और मनपा आयुक्त पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। गेल्या 5 वर्षापासून कॉन्ट्रॅक्टर श्री मलंग रोडचं काम सुरू आहे। या रोडसाठी दौर्ली गावकरांच्या माध्यमातून श्री मलंगड जेवढे नागरिक आहेत तेवढ्यांच्या माध्यमातून आम्ही सर्वजण रोडवर बसून आंदोलन केलं होतं, त्यानंतर हा रोडचं काम सुरू झालं। म्हणजेच आज गेली 5 वर्षापासून हा काम करतायत कॉन्ट्रॅक्टर। मला एक समजत नाही आहे, गेल्या 3-4 वर्षामध्ये याच रोडवर याच खड्ड्यामध्ये पडून गेले 3 मृत्यू झाले होते, पण अजून महानगरपालिका कॉन्ट्रॅक्टर याची वाट पाहते का? अजून किती बळी जातील याच्यात? म्हणजे खड्ड्यात रस्ते हे रस्त्यात खड्डे हा मोठा प्रश्न इथे निर्माण झालेला आहे। हे जर असंच चालू राहिलं तर येत्या काही दिवसामध्ये आम्ही जन आंदोलन इथे करणार आहोत, याची दक्षता घ्यायची। मग त्या आंदोलनामध्ये काही हो जर झालं तर त्याला प्रशासन जबाबदार असेल, याचं मात्र तुम्ही लक्षात घ्यायचं आहे। इसी प्रकार की बड़ी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।